आशीर्वाद हो गया, चलो निकली बढ़ काफी है। कुछ नहीं, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ बच्ची। क्या है ये? हल्दी और बेसन का लेप है। क्यों बच्ची, चोट लगी उस बच्ची को? चुप रे, ये उपटन होता है शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन को लगाते। तुझे पता है बिट्टू के दद्दा को मैंने बेसन लगाई थी? बेसन का चूना लगाया तूने उसको? उस जमाने में नहीं तो कौन आदमी पाजी मधुबाला के जमाने में से राणा तुंगा की शक्ल जैसी औरत के साथ शादी? आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बच्ची की जो हल्दी सेरेमनी है वो मैं अपने हाथों से करूंगी, है ना? रुक जा बुड्ढा, रुक 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 जा। अच्छा ये जो उपटन लाई है ना, ये ना ये मैं इस्तेमाल होगा, ये उपटन इस्तेमाल होगा, ये असली बेसन का उपटन मैं लेकर आई हूँ 1 किलो थूक के साथ। असली बेसन मतलब 3 दाड़ी? क्या मेरी बेटियां ना पलक, उसने दाल को अपने दांतों में पीस पीस के इसे बनाया है। तो हो गया ना ये एकदम ऑर्गेनिक। इतनी प्योर है, पलक के हाथ पीले करो ना आंटी से। अरे वो तो मैं करना चाहती हूँ बेटा, मैं और पूछ पूछ। अब पूछ पूछ क्यों नहीं किया? पूछ 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 क्यों नहीं किया? अरे इसमें नहीं किया क्योंकि उसे ना भज्जी जी जैसा एक ऑलराउंडर चाहिए। कैसी है, अगर क्रिकेटर नहीं मिलेगा तो शादी मैं करूंगी। तो ये थोड़ी ना स्टेडियम जैसी बेटी पैदा की है तो आदमी भी क्रिकेटर मिलेगा। वाह 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 बेटा, वाह वाह, हमेशा की तरह क्या कमाल की फालतू बात की है। चलो अब हम हल्दी की रस्म शुरू करेंगे। लेकिन सिद्धू जी मैं आपको बता दूं, हाँ जी, विराट कोहली को भी हल्दी मैंने ही लगाई थी। ए विराट की शादी कहाँ हुई? हाँ तो मैं शादी नहीं करेगा तो हल्दी में लेकर बैठी रहूं। उस दिन मॉल में भी गया था, वो और अनुष्का घूम रहे थे, मैं हल्दी लेकर पहुंची, हाथ लेके छपाक करके उसकी पीठ में लगा के भाग गई वहां से। आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए आंटी? बेटा हरकत में ही तो बरकत है, इसी तरह बायोडेटा बढ़ता है। तो बुड्ढा उल्टा तू बता कि तूने अपनी जिंदगी में कभी किसी को हल्दी लगाई है? ये तू मुझसे पूछ रही है? हाँ तुझसे ही पूछ रही हूँ, सामने तू दिख रही है। तो सुन सुन, गुंडप्पा विश्वनाथ से लेकर मोहिंदर अमरनाथ तक सबके हाथ पीले मैंने ही कराए। हाँ गुंडप्पा का डंपा इन्होंने पीला किया था। क्या दादी कुछ भी बोल रही है तू? धोनी झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, झूठ बोल रही है ये। धोनी के पास तो मैं गई थी, बड़ा अच्छा लड़का, वेरी कूल बॉय, मुझसे कहता है कि आंटी ये मुझ पे लगाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हूँ धोनी, तो मुझे तो बाद में धोनी धोनी है। चलो खैर अब हम हल्दी की रस्म शुरू करते हैं, आइए। हल्दी मैं लगाऊंगी, हल्दी मैं लगाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा बोबड़ी। बोबड़ी हल्दी मैं लगाऊंगी, कौन सा समझ रहा है? भाई दिस इज इनटॉलरेंस, दिस इज अशीम बूफ, अशीम अशीम उन्स्ता हो ऐसे सुनता। पाजी कल हम सब ने बड़ी मस्ती की, लेकिन एक सवाल जो है वो मेरे मन में अभी तक घूम रहा पाजी। मैं पहले क्लियर कर लूं पहले। आलिया हम सब जानते हैं कि करण सर ढेर सारे रियलिटी शोज जो हैं वो जज करते हैं, ये नंबर देने की इनको आदत पड़ गई है। लेकिन हमने सुना है कि आलिया ने भी आजकल नंबर देना शुरू कर दिया है। सो उन्होंने वरुण को किसी खास चीज में से 10 में से 10 नंबर दिए, वो कौन सी चीज है? जनता जवाब जानना चाहती है। मैं वो चीज नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक ये पारिवारिक शो है और हम पारिवारिक इंसान है और हम परिवार। अरे चल झूठी। बड़ी आई पारिवारिक, ऐसी कौन सी चीज है मतलब जो पारिवारिक शो में नहीं बोल सकते? परिवार बनता कैसे है? ये दोनों को जुम्मा और उसका चुम्मा, ये किसिंग की बात ही कर रहे थे आप? अच्छा। 10 उन्होंने बाकायदा किसिंग के लिए दिए थे। ये इमरान हाशमी की बहन है, सीरियल केसर ये भी है। ये पारिवारिक शो है, सारे परिवार में यही उनकी खासियत है। मैं मंदिर जाती हूँ। महेश भट्ट
शायद भी बर्थ अच्छे बेहतरीन किसर होंगे पापा। इनका फैमिली सॉन्ग है, किससे प्यार करूं कैसे प्यार करूं। मैं तो यही कहती हूँ सिद्धू पाजी, बट एवरीबॉडी पता नहीं किसिंग से मतलब सब लोग कहते कि अच्छा नहीं है। आप किसिंग करते हो? अरे अभी यहाँ पे तो नहीं लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब स्मॉल को लाज आ गई। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आलिया के पापा और वरुण के पापा दोनों ही बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने शुरुआत जो है वो करण सर की डायरेक्शन से शुरू की। आपको अपने अपने पापा पे विश्वास नहीं था? नहीं नहीं विश्वास था बहुत, और विश्वास है सर, पर क्या है ना कि हम दोनों को अपने दम पे कुछ करना था। अरे वाह, यही स्पिरिट होनी चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मुझे अपने पापा में पूरा विश्वास है। आई डोंट थिंक उनको अभी तक विश्वास हुआ है, इसलिए मुझे अब तक फिल्म नहीं मिली है। नहीं आ रही है, 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसम 4, राज 5 एंड मर्डर 8। ये अच्छी बात भी, पता आपने पापा की फिल्म से शुरुआत नहीं की ना, तो अभी आप लोग स्टार्स बन गए, अभी दबा के पैसे लेना पापा से। नहीं नहीं क्यों, एक्चुअली ना बचपन में मैं अपने पापा के पैर दबाती थी और हर टाइम वो मुझे 500 रुपए देते थे पैर दबाने के। हाँ इतनी अच्छी मसाजर है आप, मतलब बचपन से आपका करियर अच्छा है। बचपन में 500, मतलब ये बात है 1972 की। वो तो वो साल मैं पैदा हुआ था कपिल, कहाँ चले गए तो। ओके ओके, मैं 1993 में पैदा हुई थी। 1993 में? हाँ। इतने शौक क्यों हो भाई? I'm 21. ये सारा 60 से पहले वाला स्लॉट बैठा हुआ उधर। हाँ, तो मैं कह रही थी कि पापा 500 रुपए देते थे आपको। 500 रुपए देते थे। Okay. तो I think ऐसे कर करके एवरी टाइम जब मैं वो जब मैं पैदा हुई तो 500 रुपए दी थी, तो आई थिंक वो पहले का एडवांस था। इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है ना। क्योंकि मैं ये पता नहीं ये कहानी जा कर रही थी कि मेरे पैर तो कभी नहीं दबाए इसने। अभी दबा देती हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए। पर मैं एक्चुअली मैं मसाज में बहुत वरुण से पूछो, आई गिव हिम मसाजेस एवरी डे। क्यों क्या अच्छा। एक मिनट भाई साहब, पारिवारिक शो, ये एक स्पेशल फेस वाला मसाज है जो मैं अभी लॉन्च करूंगी। एक सेकंड क्यों, तू चुप हो जा मेरी माँ। मैं आलिया भट्ट के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। दिखाती हूँ। ये ऐसे ऐसी बातें करती है और फिर बोलते हैं लोग मेरे बारे में ऐसे क्यों लिखते हैं वरुण, ऐसे तू बोलती क्यों है। जैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि ये फिल्मी परिवारों से हैं और आलिया के पापा ने पहले पूजा भट्ट को लेकर फिल्म सड़क बनाई, उसके बाद आलिया को लेकर फिल्म बनी हाईवे, अभी राहुल को लेकर टोल नाका कब बना रहे हैं? सही कहा। अरे वरुण क्योंकि हम टी अच्छा मेरे दिल में ऐसा कुछ आया भी नहीं है, ऐसे इनसिक्योरिटी हो रही है। अच्छा अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपके फैंस हैं, करण सर के फैंस हैं, आलिया के फैंस हैं, तो आप लोग एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं वरुण से, आलिया से, करण सर से। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? मोहतरमा छोटी पूजा बेदी। वरुण, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। करण जी को हमने सबने एज अ होस्ट, एज अ जज, थोड़ा डांस करते हुए भी देखा है झलक पर, बट एज इन रियल लाइफ ऑन सेट वो डायरेक्टर कैसे है? करण बहुत भावुक हो जाते हैं जब उनके एक्टर अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जो जो अंदर की भावना है वो आ जाते हैं चेहरे पे। तो मैं इनका ईडी भी रह चुका हूँ, तो मैंने उनको देखा है। तो कौन सी फिल्म में? माय नेम इज खान। अच्छा। तो शाहरुख सर और काजोल मैम के बीच में एक सीन चल रहा था, बहुत इमोशनल सीन था, तो वो लोग वार रो रहे थे और सडनली मुझे रोने की आवाज यहाँ से आई। तो करण सर थे। ये तो जरूरी भी है, जब तक डायरेक्टर फील नहीं करेगा बाजी, सामने वाले ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे? I have to say he is the best director in India for sure. I'm sure. And the best producer. Hands down. अब मैं क्या कहूँ? नहीं, बिल्कुल लगे अब सामने बैठे तो ये बोलना बनता भी है। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं जी प्लीज। नन्नी मुन्नी गुड़िया पर। हेलो, हाय, माय नेम इज आर्शिया सतानी। जी आर्शिया बोलिए। एंड मैं बांद्रा से हूँ। ओके। और मेरा सवाल आलिया से है।
बैंड्रा से? ओ 30,000 पे स्क्वायर फीट बैंड्रा। अरे कहाँ, ज्यादा 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 हो गया, 65,000 स्क्वायर फीट एग्जैक्टली। यस, इनका क्वेश्चन भी इंग्लिश में होगा। हाँ वो बैंड्रा में। जो आपकी फिल्म देखी है उसमें आपका एक डायलॉग भी है जिसमें आप कहती है कि अगर आप शादी करेंगी तो सिर्फ करीना कपूर वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो। या हाँ। तो आप करीना के अंदाज में कुछ करके बता सकती है प्लीज? प्लीज कम ऑन यार करीना, वाओ कम। जब भी मैट का एक सीन है तो वो जब इसमें भी भागने का ए, वो हम अच्छा मैं गीत का दादा भाई बहुत अच्छे नहीं नहीं दादा जी, आप स्ट्रेंजर, आप स्ट्रेंजर बन जाओ। ओके स्ट्रेंजर आ जाओ ना स्ट्रेंजर। आप तो मुझे अंदर खींचना है। हाँ। हाथ पकड़ के। हाँ। कम ऑन गीत। आज तो हद ही हो गई, लाइन क्रॉस हो गई थी आज तो। कहाँ हुई अभी? ओए पता है आज तक मेरी लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूर से बचा लिया। हाँ, अंदर आ गई हूँ मैं। अच्छा और आ जाओ, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। हाँ? एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ यार मैं। ये बात लड़कियां जानबूझ के बोल दी ताकि सामने लड़का बोले अरे नहीं नहीं तुम्हें पता ही नहीं है। मैं अपना ऑडिशन दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए जो एंड किया था और फिर करण जी ने मुझे दिया। I swear, action. हर्षा क्या रहा है? सी जैसा गीली सिगरेट जलते ना है वैसे तेरी मौत की तारीख चलती ना है। गॉड मैंने ये नहीं देखा। ये नहीं था मेरा ऑडिशन, मैं इसको कोई रोल नहीं देता। शुक्रिया आशिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स, लव टू ऑल बैंड्रा।